इंदौर कलेक्टर ने बताया है कि शहर में लोगों के लिए कोरोना वॉलंटियर अभियान चलाया जा रहा है। इस तरह प्राकृतिक आपदा में हर व्यक्ति को लड़ना होगा, हर व्यक्ति को जागरूक होकर मास्क को ठीक से लगाना होगा, साथ ही काम नहीं होने पर घर से कम ही निकलना होगा, जितना हो सके उतनी सावधानी बरतनी होगी। शहर के अस्पतालों में 7000 बेड हैं और संक्रमण फैलने की यही रफ्तार रही तो आने वाले समय में स्थिति और ज्यादा भयानक हो सकती है। मैं हूँ कोरोना वॉलंटियर जो अभी अभियान चलाया है। इस तरह के प्राकृतिक आपदा में हर व्यक्ति को साथ देना पड़ेगा, हर व्यक्ति को लड़ना पड़ेगा, हर व्यक्ति को चिंता से मास्क ठीक से लगाना पड़ेगा और थोड़ा इस समय घर से निकलना कम पड़ना पड़ेगा, अपने थोड़ा मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे लोगों को। तो विशेष तौर पर मास्क ठीक से पहनना पड़ेगा, नाक के नीचे ना पहने, घर से निकलते ये है ही आपका हर समय आपका मास्क नाक के ऊपर रहना चाहिए आपका। जब तक ये नहीं होगा संख्या पेशेंट्स की बढ़ती जाएगी, अनलिमिटेड बिस्तर नहीं हो सकते हैं, 7000 से ज़्यादा की संख्या में बिस्तर किए जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अभी और भी हम लोग बढ़ा रहे हैं उसको। पर आने वाले समय में अगर ये संभलेगा नहीं तो स्थिति, जब मैंने 3-4 दिन पहले ही बोली थी चिंताजनक है, तो स्थिति और ज़्यादा चिंताजनक हो जाएगी। सर, लॉकडाउन लगाने को लेकर